INDI अलायंस में आखिरकार सीटों को लेकर क्या स्थिति रहेगी, इसकी घोषणा कर दी गई है। आरजेडी के खाते में 26 सीटें गई है, कांग्रेस को 9 सीटें दी गई है, जबकि वाम दलों को संयुक्त रूप से 5 सीटें मिली है। इनमें CPI-ML के खाते में 3 सीट गई है, जबकि CPI और CPM के खाते में एक एक सीट गई है। सभी दलों के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में सीट शेयरिंग की घोषणा की गई। आरजेडी के खाते में जो 26 सीटें गई है, उनमें पहले चरण की 4 सीटें जहां कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन कर दिया है, उसके अलावा बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, शिवहर, वैशाली, सीतामढ़ी, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर सीट गई है। इसके अलावा जब कांग्रेस की बात कर लें, कांग्रेस को जो 9 सीटें दी गई है, उनमें किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज सीट मिली है, जबकि वाम दलों को 5 सीटें, इनमें माले को आरा, काराकाट और नालंदा, जबकि CPI को बेगूसराय और CPM को खगड़िया की सीट दी गई है। परिणति है एक प्रगतिशील विकल्प देने की, एक जुमले के खिलाफ हकीकत की राजनीति की, एक रोजगारोन्मुख जिसकी लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींची है, उस लकीर के इर्द गिर्द एक वैकल्पिक राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाए, इसकी मैं समझता हूँ कि उसके छाप आप इस सीट एलोकेशन में महागठबंधन में देख रहे हैं। तो अब तक सीटों को लेकर क्या स्थिति रहेगी ये साफ नहीं हुआ था, तो उस मुद्दे पर बीजेपी खेमा, एनडीए खेमा, INDI अलायंस पर हमलावर था। अब सीटों की घोषणा जब कर दी गई है तो इस पर भी हमला बोला जा रहा है। बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, एक एक कर सुनाते हैं आपको। महागठबंधन को चुनाव हारना है, ये भ्रम सत्य। कांग्रेस को 9 सीटें तो मिल गई हैं, अब कांग्रेस अपना समझ क्या पड़ता है, उम्मीदवार तो पहले तय करें। देखिए, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ये लुटेरे पार्टी हैं, स्पष्ट तौर पर भ्रष्टाचार इनके DNA में है और भ्रष्टाचार भी ही करना जानते हैं। लालू जी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद दो ही काम किया। अंसारी तो ये कहूंगा कि सीटों को उन्होंने, जिनके मन बटे हो वो सीटों को बांट के क्या करेंगे, उनके तो मन बटे हुए थे। और आज देखना है आपको मिला कि लालू यादव जी ने जिस प्रकार से चाहा कांग्रेस को हाशिए पे किया, कांग्रेस को औकात बताया कि मैंने अपने प्रत्याशी पहले घोषणा किया फिर आपको बचे हुए सीटों में आपको दिया, तो कांग्रेस यहाँ पर लाचार बेचार है। और लालू यादव के परिवार में भी मन बटा हुआ है, गठबंधन में भी मन बटा हुआ है और पार्टी में भी मन बटा हुआ है। तो जो मन बटा हुआ संगठन है वो क्या करेगा सीट बांटकर, हर सीट पर अलग अलग मन के लोग लगेंगे और उन्हीं के लोग उनको हराने में काम करेंगे। कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी तो पहले से ही था और इस बार स्पष्ट झलक गया कि ये दया के पात्र भी है। राजद के लोग जो कहा वो सुनना पड़ा, जिद पर अरे तो उनको इतना थका दिया कि अब बेबसी में जो दे रहा है वो बेचारे स्वीकार कर रहे हैं। और ऐसे लाचारी और बेबसी से राजनीति करने वाले लोग कभी मान सम्मान स्वाभिमान अपना जो नहीं बचा सका, वो बिहार का और राष्ट्र का सम्मान कैसे बचाएगा। चलिए, सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा INDI अलायंस खेमे से कर दी गई है, विपक्ष हमलावर है, ये आरोप कि मन बटा हुआ है, सीट बांट कर क्या करेंगे, तो कांग्रेस पर आरोप ये कि उन्हें उनकी हैसियत दिखाई जा रही है, राष्ट्रीय पार्टी इस तरह से बदहाली की स्थिति में बिहार में पहुंच गई है।
देखिए दीपक, सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर जो सीटों का बंटवारा हुआ है, जो सीटों का पेच फंसा हुआ था लंबे समय से, सीटों का तो बंटवारा हो गया है लेकिन अभी तक नामों का ऐलान नहीं हुआ है। जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा नहीं कर पाए हैं लोग, क्योंकि अभी भी पेच फंसा हुआ है। पेच फंसा हुआ है कि कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, किस किस जगह पे कौन जो दावेदार है उनके हिसाब से कई लोगों की लंबी फहरिस्त है। आप अभी हम राबड़ी आवास के पास थे, वहां पर लंबी कतार लगी हुई टिकटार्थियों की, तो यानी अभी भी दिक्कतें हैं महागठबंधन में। शायद यही कारण है कि जो विपक्ष है वो हमलावर है, विपक्ष चुटकी ले रहा है और विपक्ष ये भी कह रहा है कि बंटवारा तो हो गया लेकिन मन का बंटवारा कैसे करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद जो है वो खुलकर उभर कर सामने आ गए। खासकर अगर पूर्णिया की चर्चा किया जाए, पूर्णिया में जिस तरीके से पप्पू यादव का पहले विलय कराया गया उनकी पार्टी का, और उसके बाद पूर्णिया के लिए वो दावा कर रहे हैं, अभी भी वो कशिश न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो यही लड़ेंगे, यही से उम्मीदवारी उनकी तय होगी। तो आप समझिए अब यानी आसार दिखाई पड़ रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट हो सकती है पूर्णिया में, यानी कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे अगर पप्पू यादव वहां से खड़े होते हैं या फिर निर्दलीय खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी उठाएगी। तो बीजेपी बेहद गदगद है, एनडीए में खुशी की लहर है कि अगर जितना ही लोग आपस में बटेंगे, मन बटेगा तो उसका फायदा वोट पे होगा, कहीं ना कहीं जो वोट है वो ट्रांसफर होगा बीजेपी को, इसका फायदा होगा। आपस में लोग लड़ेंगे तो उससे बीजेपी उम्मीदवार का जो वोट का प्रतिशत है वो बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तो कर लिया गया है लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं वो साफ तौर पे उभर कर सामने नहीं आई है। अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव अभी कुछ समय बाद, अगले आधे घंटे में तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और यहाँ पे पूरा परिवार पहुंचेगा, उनसे सवाल सबसे पहले ही किया जाएगा कि आप लोगों ने बैठकर पप्पू यादव से बातचीत की थी, जो तस्वीरें बाहर आई थी उसके बाद पप्पू यादव दिल्ली गए थे विलय कराए, तो आपने उनको सीटें कौन सी दी है, और कांग्रेस के मन मुताबिक सीट अगर मिली होती तो फिर अखिलेश सिंह को आप देखिए दीपक, अखिलेश सिंह पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द भी नहीं बोले, उनसे कई सवाल किया गया उठकर वो चले गए और केवल मनोज जॉर्ज और अब्दुल बारी सिद्दीकी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किए। तो आप समझिए किस तरीके से जो आरजेडी हावी है इस महागठबंधन में और स्टीयरिंग उसके हाथ में है, यानी उनके मन मुताबिक उम्मीदवार होते हैं, उनके मन मुताबिक सीटें तय की जाती है, उनके मन मुताबिक उनकी पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उनके मन मुताबिक जो प्रवक्ता है वो तय कर लिए जाते हैं, तो कांग्रेस कहां खड़ा है। बिल्कुल अमित, आप जो पुरानी तस्वीरों के आधार पर भविष्य की स्थिति बता रहे हैं, कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है उसका कारण समझा जा सकता है, लेकिन क्या ये भी नहीं देखा जा सकता कि आरजेडी के न लालू प्रसाद यादव न तेजस्वी यादव, जब सीटें शेयरिंग की घोषणा की जा रही थी वो मौजूद थे, इससे क्या कांग्रेस की बिहार में बदहाली का सारा आरोप राहुल गांधी पर मढ़ा जाएगा? देखिए वो तो चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तब ये तय होगा कि आखिर इसकी जो नाकामियां हैं उसकी जिम्मेदारी किसके माथे पे होगी, लेकिन अभी जो शुरुआत में ही देखिए आप किस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ लगता है कि अगर आप मान लीजिए आला कमान के बिना हस्तक्षेप से कुछ तो हो नहीं सकता, अखिलेश सिंह पर आप दाव खेल रहे हैं, अगर कोई भी कहता है कि अखिलेश सिंह की चली है तो फिर चली है तो कांग्रेस के लीडर पर ही चलनी चाहिए ना। अगर आप पप्पू यादव क्या वहां पे चाहते थे पूर्णिया में, तो फिर क्यों अखिलेश सिंह की नहीं चली, यानी हर जगह पे आप देखिए, चाहे राहुल गांधी हो अखिलेश सिंह हो, हर कोई भी पिछलग्गू दिखाई पड़ रहा है। ये कहने में थोड़ी सी भी तनिक भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ भी आरजेडी ने किया, जो कहा वो किया, आरजेडी मानती है। आप देखिए तेजस्वी यादव जिस दिन राहुल गांधी बिहार में थे, तेजस्वी यादव ने जो गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ी थी वो एक बड़ा मैसेज था, यानी क्षेत्रीय दल उसकी भूमिका अहम है ये बताने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की थी। बिल्कुल, और लालू प्रसाद यादव के राजनीति का यही अंदाज है, वो राजनीति में होते हैं तो सब पर ऊपर रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा भी जुड़ रहे हैं, हम उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी आए थे और तेजस्वी यादव को उन्होंने स्टीयरिंग पकड़ाई, तो क्या स्टीयरिंग पकड़ाकर साइड सीट के बजाय कांग्रेस को बिहार में बैक सीट पर आरजेडी ने बिठा दिया है और कांग्रेस आत्मसमर्पण की स्थिति में दिख रही है? अशोक जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आंकड़ों के खेल में भले कांग्रेस को 9 सीटें मिल गई हैं, लेकिन जो 9 सीटें मिली हैं उसमें अगर एक दो सीटों को छोड़ दीजिए
तो शेष सीटें सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है। अगर किशनगंज की सीट को आप अगर लेंगे तो वो कांग्रेस की जीती हुई सीट है। पूर्णिया मिलाने पूरा इलाका कटिहार में लगातार तारिक अनवर हारते ही रहे हैं। निखिल कुमार से हारे, फिर दूसरे दफ़े अभी दुलाल चंद गोस्वामी से फिर वो हारेंगे और फिर उनका मुकाबला है। आप देखिए मुजफ्फरपुर की सीट लंबे अरसे से कांग्रेस नहीं लड़ी है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि विजेंद्र चौधरी जो विधायक हैं अगर उन्हें टिकट मिलता है तो हो सकता है। भागलपुर की सीटें लंबे समय से कांग्रेस नहीं लड़ रही है, आरजेडी वहां से लड़ रही थी लगातार। अजीत शर्मा वहां पे विधायक हैं, हो सकता है कि वो टक्कर दें, लेकिन वहां कांग्रेस का कोई बड़ा जनाधार नहीं है। भागलपुर के दंगे की घटना के बाद कांग्रेस का जनाधार भागलपुर से समाप्त हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि अजीत शर्मा फिर विधायक बने हैं लगातार दो बार से, तो कांग्रेस की कुछ जमीन मजबूत हुई। अब महाराजगंज की सीट कांग्रेस को भी शायद याद नहीं होगा कि महाराजगंज से कब चुनाव लड़ा गया। एक आध बार अगर महाचंद्र प्रसाद सिंह जैसे लोग लड़े भी होंगे तो ये आप समझ सकते हैं कि केवल खाना पूर्ति है। तो जिन जिन सीटों पर कांग्रेस को मिली है, अब समस्तीपुर आप ले लीजिए, वहाँ से प्रिंस राज हैं, वहाँ लोजपा रामविलास की दावेदारी मजबूत है, संभवी चौधरी को लड़ाने की बात हो रही है, अशोक राम वहाँ से लगातार हारते रहे हैं। क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस को 9 सीटें दे दी गई हैं। बेतिया की अगर बात कर लीजिए, बेतिया में तो संजय जायसवाल लगातार वहाँ से जीतते रहे, उनके पिता जीतते रहे, एक मजबूत स्थिति है वहाँ, फिर कांग्रेस कहाँ से टक्कर दे पाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी कहिए कि कांग्रेस का मान रखने के लिए 9 सीटें दे दी गई हैं। सबसे दिलचस्प है कि इन 9 सीटों पर अब देखना है कि कांग्रेस किन किन उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारती है। क्या वो अपने राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी हैं क्या उनको वो शिकस्त दे पाता है उम्मीदवार, ये देखना दिलचस्प है। दूसरी बात, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि अखिलेश सिंह अपने बेटे को किस जगह से टिकट दिलवाते हैं, इस पर भी नज़र है। चूँकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मानते हैं, आम जनता की तो छोड़ दीजिए, वो मानते हैं कि अखिलेश सिंह ने अपने निजी स्वार्थ के चलते पार्टी को एक तरह से कहीं हाशिए पर ला दिया है, और यही वजह है कि लोग आक्रोशित हैं वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता। और जो सोशल मीडिया में चल रहा है उसमें तो बजाबते दिया जा रहा है, बेगूसराय की सीट कन्हैया कुमार लड़ना चाहते थे वहाँ पे रोक दिया गया, कन्हैया कुमार नहीं लड़ेंगे, सीपीआई को दे दिया गया। पूर्णिया की सीट पर पप्पू यादव लड़ना चाहते थे वहाँ उनको रोक दिया गया। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, सारी की सारी सीटें एक तरह से कहिए कि कांग्रेस वहाँ से बेदखल हो चुकी है। देखना होगा कि इसका क्या असर होता है। फिलहाल कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए एक सुकून की बात यही है कि भले हुई हारी हुई ही सीट मिली है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जो आंकड़े थे, यानी कि 9 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, इसको लेकर के भले प्रदेश अध्यक्ष यह कह सकते हैं कि हमने एक भी सीट गंवाई नहीं है, लेकिन पाई कितने, उस 9 सीट में एक सीट, या यूँ कह लीजिए कि 40 सीटों में एक सीट विपक्ष में अगर जीती तो वह कांग्रेस ही जीती थी किशनगंज की सीट, 26 सीटों पर आरजेडी भी चुनाव लड़ी थी तो वो नहीं जीत पाई थी। यही इंतज़ार थोड़ा करना पड़ेगा कि कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो आगे क्या फैसला लेता है। फिलहाल कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए राह जो है सो कठिन है बिहार में, और इस चुनाव ने तो ये साबित कर दिया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की राह और भी कठिन होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इन 9 सीटों के आधार पर बिहार में अपनी जड़ों को कितना टिका पाती है और आगे संगठन का क्या होता है।